सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर से ओडिशा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर ये सामने आ रही है कि शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट भी दिया गया है, रिमांड पर लिया गया है। पीड़िता ने डीआईजी से मदद की लगाई थी गुहार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी को कोर्ट में पेश कर भुवनेश्वर पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है। साथ ही उत्तराखंड के चमोली जिले की पीड़ित युवती ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कई दिन तक दिया था धरना, और इसी के साथ पीड़ित ने दून में डीआईजी से मिलकर भी मदद की लगाई थी गुहार। सीआरपीएफ में तैनात इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे कि शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, क्योंकि ये मामला काफी पुराना था तो युवती ने लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारियों से भी शिकायत की थी कि उनके जो सब इंस्पेक्टर उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मामला डीआईजी पे पहुंचा तो डीआईजी ने जो है आदेश जरूर दिए थे, लेकिन भुवनेश्वर पुलिस ने अब जो है यहाँ पर दबिश देते हुए जो दरोगा है उसको गिरफ्तार किया है। और लगातार जो ये बात सामने आ रही थी कि पुलिस मुकदमा लिखने में भी आनाकानी करती है, तो उससे भी जो एक बड़ी पोल खुलती दिखाई दी। हालांकि जो आला अधिकारी है ऑब्वियसली ये बात कह रहे हैं कि मामला क्योंकि पुराना था और जो युवती थी वो मूल रूप से चमोली की रहने वाली थी, और वो जो सब इंस्पेक्टर था उत्तर प्रदेश निवासी भूपेंद्र कुमार, उसने यहाँ पर लंबे समय तक युवती को रखा और शादी का झांसा दिया रहा, लेकिन जो उसके बावजूद भी जो भुवनेश्वर में साथ नहीं लेके गया, उत्तर प्रदेश अपने परिवार से नहीं मिलवाया, जिसके बाद जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। जी, पर सौरभ, खबर ये भी सामने आ रही है कि पीड़ित ने डीआईजी से मदद की गुहार भी लगाई थी, पर आखिरकार क्यों मदद नहीं की गई? देखिए, डीआईजी स्तर पर जो है धरना तक दिया गया था कार्यालय पे, उसके बाद जो है जरूर जो पुलिस चेती थी और उसके बाद ये जरूर कहा गया था कि कार्रवाई की जाएगी जब जो है पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन उससे पहले ही जो है भुवनेश्वर में जो मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था, तब भुवनेश्वर पुलिस ने यहां पर आकर कबीज दी और दरोगा को गिरफ्तारी की गई। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम अपडेट के लिए।